असलम दोस्तों, मैं आपको अपनी गार्डन चाहे ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो ना आज मैं आपको ना अपने प्लांट की शॉपिंग दिखाने आया हूँ। तो मैं ना आजकल ना डिफरेंट कलर्स के प्लांट की ना शॉपिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट जिसके ना डिफरेंट कलर्स हों, ताकि ना डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन हो, ताकि ना प्लांट्स ना ज़रा अच्छे लगें। पहले ना मैं सेफ आर्केरिया वो करता था लेता था, लेकिन आजकल ना मैं अगेव ले रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि इससे कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। ये जो बड़े गमलों में पड़े हैं ये है पर पिछले साल वाले, और छोटे गमलों में हैं जैसे ये है इस साल जो मैं लेके आया था। तो ये सबसे पहले ना ये पिछले साल वाला फार्केरिया है, ये जो ये है ना ये मैंने ना इस साल लेके आया हूँ। ये क्यों लेके आया हूँ? ताकि ना इसका और इसका कम्बिनेशन बन जाए। एक मैं ऐसे इनको ऐसे रखूँगा कि एक लाइन एक कलर की होगी, दूसरी लाइन दूसरे कलर की, तीसरी लाइन तीसरे कलर की। तो एक ये फार्केरिया है पड़ा, ये होता है फाल्स अगेव। ये अगेव नहीं होता लेकिन अगेव जैसा दिखता है, ये होते हैं अगेव। ये सबसे सिंपल वैरायटी है अगेव की, ये सिल्वर और ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। और इसमें एक होता है येलो वाला, ये है येलो वाली वैरायटी। ये येलो और ग्रीन होता है, ये ग्रीन और सिल्वर होता है। और एक पीछे पड़ी है वो होती है वाइट और सिल्वर, ये जो आपको पता दिख रहा है वाइट और ग्रीन वाला, एक ये वाली वैरायटी होती है। और एक ये वाला गेव है, इसको ब्लू जॉइंट अगेव कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, या अगर ना ज़मीन में लगाओ ना ये आपके कद से भी बड़ा हो जाएगा। तो समझ आप इसके सामने खड़े हो ना छोटे बच्चे लग रहे होंगे। इसके भी बहुत सारे बेबीज हैं, तो इनको मैं सेपरेट करूँगा और इससे इसको बढ़ाऊँगा मैं। और ये फार्केरिया के बारे में आपको बता दिया, एक ये वाला कलर है, एक येलो वाला है, एक ये है ब्लू जॉइंट अगेव वाला कलर, और एक मैं कल परचेज करके आया हूँ। इसका नाम है बड़ा ये, तो पहले आप इसको देख लो। इसका नाम है अगावे अमेरिकाना वेरीगाटा। तो ये भी बहुत सारे बेबीज निकालता है। तो ये मैं कल लेके आया हूँ, काफ़ी सारे प्लांट लेके आया हूँ। ये इनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये यहाँ से टूटा हुआ है, ये जगह जगह टूटा हुआ, कुछ लाते ही टूट गए मेरे से। जैसे कि ये देखिए ये कल टूटा है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ना बाहर का मौसम आएगा ना उससे पहले मैं इनको यहाँ से कट कर दूँगा। सिर्फ अंदर वाले दो पत्ते रखूँगा। क्यों? इसका एक फ़ायदा होगा कि ये जो बेबीज निकल रही हैं इनको जगह मिल जाएगी, और ये अपने ये देखिए कैसे खाए हुए पत्ते हैं इसके। ये जो बुरे पत्ते हैं ना ये ख़त्म होकर नए पत्ते निकलेंगे। लेकिन अभी ये नहीं करना क्योंकि अभी बहुत ठंड है। तो ये ना इसकी एक बात है कि इसकी लुक बहुत अच्छी, इसके कलर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और ये बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो एक लाइन इनकी रखूँगा मैं, एक लाइन रखूँगा मैं इसकी। ये मेरे पास काफ़ी हैं, इनके काफ़ी बेबीज निकलते हैं, एक येलो वाले की, एक सिल्वर वाले की, एक इसकी बताऊंगा। इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत कम बेबीज देता है। एक फार्केरिया की और एक इसकी। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं रखूँगा, तो फिर आपसे शेयर करूँगा। ये मेरा है बड़ा प्लान नियर अबाउट ना फरवरी या मार्च में चेंज करने का सब कुछ। तो शायद ये वाला जगह भी चेंज हो जाए, तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं इतनी सी छोटी सी वीडियो बना के आपसे शेयर करनी थी अपनी ये वाली शॉपिंग। तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये वाले। इसका कलर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे बने। ये तो टूटे फूटे हैं ना, ये बनते हैं बहुत प्यारे हैं। ये देखिए अब ये जैसे ये है ना ये बिल्कुल सही है, जबकि ना ये काटने के उसमें खड़ा है, क्योंकि यहाँ से कटेगा इसका ये वाला भी सही नहीं है। तो इसको मैं काट दूँगा, उसके नीचे जो बेबीज निकले ना उनको मौका मिलेगा बड़ा होने का। और इनसे भी मैं छेड़खानी कोई नहीं कर रहा, इनको पॉट शिफ्ट नहीं कर रही, इसमें पड़े रहेंगे, क्योंकि ना ये अपने बेबीज निकाल रही है। देखो जैसे ये छोटा सा बेबी निकल रहा है, तो जब ये बेबीज निकालना बंद हो जाएंगे, पप्स कहते हैं इन्हें, तो फिर ना मैं ना इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा। तो ये थी फिलहाल तक की शॉपिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।